ओके आज का टॉपिक है कंड। कंड किसे बोलते हैं हम लोग है। तो उससे पहले ये हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों जब किसी भी कॉलम पे काम करता है, जब सेक्शन पे काम करता है, तो किस सेक्शन पे कौन सा स्ट्रेस पैदा होता है, किस सेक्शन पे किस तरह का स्ट्रेस पैदा करता है, ये डिपेंड करता है लोड उसके ऊपर कैसा काम करता है। तो कर्ण भी उसी का ही एक पार्ट है, उसी में एक सेक्शन को ये डिफाइन करता है कर्ण। फिलहाल कर्ण को डिफिनेशन समझने से पहले हमें ये कुछ टर्म को जानना जरूरी होगा, जो जो पहले भी क्लास को हम डिस्कस किए थे, ये जो डिस्कस किए थे क्लास में, जिसमें तीन तरह का डायग्राम जो, तो तीन केस हम जो डिस्कस किए थे, केस वन, केस टू, केस थ्री, ये जो था ना केस, यहाँ पे नहीं, हाँ ये केस, जो हम केस डिस्कस किए थे इस केस में हम लोग, तो केस वन, केस टू, केस थ्री जो डिस्कस किए थे हम लोग, ये केस वन जो डिस्कस किए थे उस तरह से, फिर केस टू, केस थ्री ये डिस्कस, केस टू भी डिस्कस किए थे, केस थ्री भी डिस्कस किए थे। ये तीन था केस था वो चीज़। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इंटर करेंगे। तो फिर थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं हम लोग, क्या मतलब था उसका, कि जब किसी भी में बेंडिंग स्ट्रेस या हमारा केस लगता है तो तीन तरह का केस सामने आता है। तो पहला स्टेज जब आता है, तो ये तीन केस आता था मेरा, तो इस केस में ये शो कर रहा है कि इस केस में जो बेंडिंग स्ट्रेस है जो मेरा, ओके बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, तीनों में तीन तरह केस मेरे सामने आ रहा है। ओके तो पहला केस में जो था मेरा, अगर हम पी नोट से इसमें किस चीज से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, है अगर सिग्मा डी से, सिग्मा सी से, यहाँ मिटा देते हैं इस चीज को मैंने। इसमें सिग्मा डी, ओके तो जब सिग्मा डी इसमें हमेशा बड़ा होगा हर केस में, सिग्मा सी से एंड सिग्मा टी से, इसमें सिग्मा डी बराबर होगा कंप्रेसिव से और टेंसाइल से। इस केस में सिग्मा डी छोटा हो जाएगा सिग्मा सी से, सिग्मा सी सिग्मा टी अगर हम एक मान लेते हैं तो ये मेरा एक केस था जो डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है। तो कर्ण का मतलब असल मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस ना के बराबर, मतलब कि नहीं होता, जीरो हो जाता है। तो इस पिक्चर में पहले वाले केस में देख के आएंगे कि सिग्मा डी बड़ा है सिग्मा सी और सिग्मा टी से। ओके तो इस सेक्शन में सिग्मा जो प्रीवियस क्लास डिस्कस किए थे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जा रहा है सिग्मा सी सिग्मा टी से, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आ रहा है। ओके इस केस में जीरो आ रहा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जीरो, क्योंकि सिग्मा डी और सॉरी सिग्मा डी होगा, सिग्मा डी और सिग्मा टी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा यहाँ पे, तो ये जीरो हो गया यहाँ पे। सिग्मा डी से सिग्मा टी बड़ा है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहे, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस एग्जिट करेगा। ओके जबकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जीरो है, तो सिग्मा टी जीरो हो जाएगा, मैं टोटल रिजल्टेंट, और यहाँ पे मेरा सिग्मा टी भी नहीं रहेगा। तो इस केस में सिग्मा टी का जो रिजल्टेंट वैल्यू कुछ जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ करेगा, क्योंकि सिग्मा टी बड़ा है।
इसी दोनों केस को कहा जाता है कर्ण एरिया, मतलब कर्ण एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे कोई टेंशन सेक्शन नहीं होता, मतलब कोई टेंशन स्ट्रेस पैदा नहीं होता मेरा है। तो कंडीशंस फॉर स्ट्रेसेस टू रिमेन होली कंप्रेसिव। तो जहां पे जहां सिर्फ कंप्रेसिव होगा, इसका मतलब है कि वहां पे क्या नहीं होगा, इफ टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी जीरो, तो इस केस में मेरा टेंसाइल स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। तो कौन सा कंडीशन मिल रहा, देखिए क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग हैं, एक तो बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, दो केस है। तो हम फाइनली एक इक्वेशन लिखेंगे, तो व्हेन सिग्मा डी इज ग्रेटर देन, ओके, सिग्मा डी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू सिग्मा ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस में दो चीज आता है, रिमेम्बर बेंडिंग स्ट्रेस को ही हम लोग दो चीजें बांट सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। तो जब ये बड़ा हो जाता तो ये केस कहलाता, तो यही केस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ पे नो टेंशन स्ट्रेस मिलता है। तो दिस कंडीशन ऑफ नो टेंशन स्ट्रेस ओकर, सिग्मा डी का फॉर्मूला क्या होता हमारा है, सिग्मा डी मैं डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया मेरा, सिग्मा डी मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला डब्ल्यू बाई ए, ओके डब्ल्यू मतलब लोड, तो वेयर W means load और A मतलब area of cross section and sigma B का मतलब bending stress bending stress, इसका formula क्या चीज होता है, जेड, ओके जेड मतलब कि मॉडुलस, हमारा मॉडुलस सेक्शन कहलाता है। ये कहां से आया, रिमेम्बर एम आई सिग्मा बाई वाई, ओके एम वाई बाई आई इक्वल टू सिग्मा एंड एम आई बाई वाई, इसको ही बोलते हैं हम लोग जेड, ओके स्टम्प को भी, इसलिए यहाँ पे जेड डायरेक्ट पुट किए, या नहीं तो इजी के लिए तुम लोग एम वाई वाई आई कह सकते हो, बात एक ही हुआ। तो ये कंडीशन हुआ, तो उस कंडीशन में पुट करेंगे हम लोग हैं, ओके तो इस चीज को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देख लेते कंडीशन। अच्छा यहाँ पे एम क्या मतलब मोमेंट हो गया था, मोमेंट मतलब एम इक्वल टू लोड इनटू ई, क्योंकि ये जो सेक्शन मेरा है, हम ये सेक्शन हो गया मेरा, ओके और ये सेक्शन मेरा ये हो गया, तो हम मानते हैं कि लोड यहाँ पे काम कर रहा है डब्लू, इसका डिस्टेंस ई है, ओके तो ई के डिस्टेंस पे काम कर रहा है मेरा है, ये डिस्टेंस हो गया, इसको तुम एक्स वाई मान सकते हो, ओके नो प्रॉब्लम यहाँ पे मेरा है। और इसे यहाँ ये मान लो तुम मेरा एक्स एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई वाई एक्सिस हो गया, ओके यानी तुम, क्योंकि हम बेसिक करते आ रहे हैं
ये चीज को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसको तुम वाई वाई मान लो, ठीक है, इसको तुम वाई वाई मान लो, इसको सॉरी ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई वाई एक्सिस। ओके, तो जो वाई का जो डिस्टेंस है, ओके, तो जो वाई का जो डिस्टेंस है, जो ई का डिस्टेंस है, जो इसेंट्रिसिटी है मेरा है, ठीक जो है वो फ्रॉम वाई एक्सिस से है। ओके, तो वाई एक्सिस से इसकी दूरी है, ये है, तो y एक्सिस इसकी दूरी है। तो जब y एक्सिस से इसकी दूरी है, तो हम कंडीशंस को पुट करते हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसके अबाउट निकलेगा, तो रिमेंबर क्योंकि एसेंट्रिसिटी y एक्सिस के अबाउट है, तो यहां पे जो मोमेंट निकलेगा वो y y एक्सिस के अबाउट निकलेगा, रिमेंबर। ओके, जो y एक्सिस के अबाउट इसकी दूरी है, तो ये y के एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो putting in equations one, जो कि क्या था मेरा sigma d is greater equal to sigma b, ये equation था जो मेरा, तो इसी equation put करते हैं हम लोग, क्या result मिलता है, sigma d हो गया w a, ओके, एंड दिस लेस देन सिग्मा बी, मतलब मोमेंट मोमेंट वाई एंड आई वाई वाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं, या इसको हम भी मोमेंट डब्ल्यू ए दिस कंडीशंस, एंड इसको हम लोग मोमेंट की जगह पे लिख सकते हैं डब्ल्यू ई, ओके, एंड वाई एंड आई मोमेंट। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या होता है अबाउट वाई वाई एक्सिस के अबाउट, ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो सके। ये चीज हो गया वाई वाई एक्सिस, तो हम लेट एज्यूम तो सबसे पहले इसको हम लोग डायमेंशन को हम मान लेते हैं, तो इसका अगर डायमेंशन से ये मान लेते हैं मेरा ए, ओके, और ये मान लेते हैं बी, क्लियर, ए बी हो गया सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ पे वाई के अबाउट निकला, तो वाई जो है ए को सेक्शन काट रहा है, तो इसका होगा बी ए क्यू बाई ट्वेल्व, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। और यहाँ पे वाई किसको बोलेंगे हम लोग हैं, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो लोड पड़ रहा है, क्योंकि उसको जो लोड पड़ रहा है वो टॉप फाइबर किसको बोलेंगे, मतलब कि मैं जो वाई किसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस से उसका फाइबर, तो क्योंकि वाई एक्सिस हो गया, तो फिलहाल क्योंकि तो मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा ऐसा ही, ओके, तो इसका मोमेंट जो वाई होगा ये यहाँ पे होगा वाई सी, ये हो जाएगा वाई टी, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव लगेगा इस सेक्शन पे, तो रिमाइंड करेंगे हम लोग, इस चीज को बार बार देख चुके हम लोग हैं बीम को। ये चीज तो ये पार्ट में लग रहा कंप्रेसिव, ये पार्ट में लग रहा है सिग्मा टी, तो इसका दूरी हो गया वाई सी, इसका दूरी हो गया वाई टी, यहाँ पे जो वाई सी एंड वाई टी इक्वल टू कितना हो गया ए बाय टू हो जाएगा, ओके, तो therefore मैं जो y का केस है y वो आ जाएगा a by 2, तो ये टर्म में निकल गया, ये निकल गया, सब कुछ पुट करके देखते हैं तो क्या मिलता है,
अच्छा पिक्चर को यहाँ से इस चीज को हटा देते हैं। तो देन डब्ल्यू ए ग्रेटर डब्ल्यू ई, वाई का वैल्यू होगी कितना हो गया ए बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई बी ए क्यू बाई ट्वेल्व। क्लियर। अब कुछ काटो तो काटो, देखो यहाँ से इसके लिए हम थोड़ा सा पेंसिल कर अलग कर देते हैं। ओके तो देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, उसके बाद जो एक यहाँ पे ए है यहाँ का पावर कैंसिल होकर टू बच गया, उसके बाद दो है टू सिक्स ट्वेल्व हो गया, और कुछ बचा। अच्छा यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला कैसे होता है, एरिया यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी, तो इसके जगह पे पुट कर दिए ए एंड बी, देखो बी कट गया, बी बी भी कट गया, उसके बाद ये ए और यहाँ पे ए कट गया, तो फाइनली बचा क्या चीज मेरा, फाइनली बचा क्या चीज मेरा की वो बच गया ई लेस देन ए बाई सिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके तो जो इसेंट्रिसिटी होना चाहिए वो हमेशा एक का माने एक का सिक्स पार्ट के अंदर, मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है इट्स लेस देन ओके इक्वल, मतलब इसेंट्रिसिटी जो होना चाहिए मेरा वो एक का लगभग सिक्स भाग होना चाहिए। अगर तो हम पिक्चर से ड्रॉ करें तो पिक्चर से ड्रॉ करेंगे तो समझेंगे इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये सेंटर हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये बता रहा है कि जब ये यहाँ से दूरी था तो इसका दूरी कितना होना चाहिए ए का सिक्स, मतलब यहाँ से लेके इसका दूरी तो मेरा ए है, ओके ए है, ओके ये ए हो गया, तो ए से इसका जो भाग होगा कितना होगा ए बाय सिक्स होगा, तो ये जो इसेंट्रिसिटी लोड काम करेगा वो ए बाय सिक्स काम करेगा, ए बाय सिक्स, तो यहां से भी कितना करेगा a बाई सिक्स करेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन के इस सेंटर से यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हुआ a बाई सिक्स प्लस a बाई सिक्स, तो a बाई सिक्स प्लस a बाई सिक्स कितना हो गया a बाई, तो यहां से लेके इसकी जो दूरी होगी वो होगा a बाई थ्री। ओके तो ये पॉइंट का डिस्टेंस हो गया यहां से a बाई सिक्स, इसका डिस्टेंस हो गया a बाई थ्री फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक कंडीशन था फ्रॉम जो y y एक्सिस। तो केस ऐसे भी तो हो सकता है जो इसको हम हटा देते हैं दूसरे पेज में रख देते हैं, पेस्ट कट, तो ये कैसा है? अब मान लेते हैं कि इन केस जो मेरा जो लोड है वो जो लोड है कि अब हम सेक्शन लेते हैं ऐसा,
अब एक्स एक्सिस जो है इसके दूरी से लोड काम कर रहा है, ये हो गया वाई एक्सिस। जो लोड अब काम कर रहा है ये मान लेते हैं यहाँ पे काम कर रहा है डब्लू, इसका अब दूरी होगी यहाँ से लेके ई। जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पे इसका जो डायमेंशन, यहाँ पे हम ए लिए थे ए, और इसका डायमेंशन यहाँ से हम लोग बी लिए थे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन पे पुट करेंगे सब कुछ, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अबाउट एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकलेगा। रिमेम्बर एक्स अबाउट, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट निकल रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस दूरी इसका हो रहा है, तो क्या निकलेगा, तो बी को कैंसिल कर रहा है, तो ए बी का पावर क्यूब बाई टू, और यहाँ पे वाई का जो फॉर्मूला क्या होगा मेरा बी बाई टू। तो जब सेम चीज हम सब पुट करेंगे तो इस केस में जो ई का कंडीशन आएगा आफ्टर पुटिंग इन नो टेंशन कंडीशन हमें क्या मिलेगा, बी का पावर बाई सिक्स। सेम चीज यहाँ पे, वहां पे ए बाई सिक्स आया था, यहाँ पे बी बाई सिक्स करेगा। तो अगर हम इसको पिक्चर समझे तो यहाँ सेंटर से ये जो डिस्टेंस है बी, ये आएगा तुमको बी बाई सिक्स। फिर यहां से अगर यहां भी लेंगे तो कितना आएगा बी बाई सिक्स। और अगर हम ए का बात लिए थे, जैसे एक्स एक्स था यहाँ पे वाई वाई था, उसके लिए क्या होगा ए बाई सिक्स ए बाई सिक्स। तो हम एक बड़ा सा हम इसको हम क्रॉस सेक्शन का तस्वीर बनाएंगे ताकि साफ साफ से दिखाई दे सके। ठीक है, तो कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसमें, तो ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के बॉट निकालेंगे, अगर मान लो ये मेरा ए निकल गया है इसका डिस्टेंस, और ये इसका ये डिस्टेंस बी निकल गया है, तो यहां से इसका निकल जाएगा बी बाई सिक्स, यहां से निकल जाएगा बी बाई सिक्स, यहां तक निकलेगा ए बाई सिक्स, यहां तक निकलेगा ए बाई सिक्स। अगर हम सभी को एक पॉइंट से जोड़ दें हम लोग हैं तो क्या निकलेगा, दिस रीजन। तो क्रॉस सेक्शंस के इस रीजन में नो टेंशन लगेगा, नो टेंशंस एरिया दैट्स कॉल्ड कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण। और इसके बाहर एरिया में क्या हो सकता है कि कंप्रेसिव भी लग सकता है हमारा है, ओके मतलब कि टेंसाइल भी लग सकता है और कंप दो लगेगा। इसमें नो टेंशन है, यहाँ कंप्रेसिव लगेगा, तो कण में कंप्रेसिव लगता है और कण के बाहर साइड में टेंशन भी लग सकता है। ये सभी एरिया में जो हम लोग इसको छोड़ के जो एरिया बचा है इसमें टेंशन भी लगेगा एंड कंप्रेसिव लगेगा, और इस रीजन में सिर्फ लगेगा कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब जैसा लोड था वैसा ही होगा, तो डिपेंड्स ऑन लोड, तो नेचर ऑफ लोड।
क्योंकि यहाँ पे दो टेंशन कंप्रेसिव लग रहा है, तो एक मान लो नेगेटिव, एक मान लो पॉजिटिव, या इसको मान लो नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे दो साइन काम करेगा, यहाँ पे कोई एक साइन मतलब कोई एक ही, चाहे कंप्रेसिव या अदरवाइज टेंशन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये बात कॉलम की हो रही है, इसमें सिर्फ हम नॉन टेंशन एरिया लेंगे। अब आते हैं डिफिनेशन पे, हम जो हम डिफिनेशन लिखवाए थे उसको हम समझाते हैं। ये क्या था रिया? इट इज द एरिया अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो हमारा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद इन विच एनी लोड अप्लाइड, कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, विल प्रोड्यूस स्ट्रेस ऑफ ओनली वन साइन। ओके, मतलब टेंसिव कंप्रेसिव काम करेगा थ्रू द एंटायर क्रॉस सेक्शन, बट द आउटसाइड ऑफ द कर्न ऑफ लोड प्रोड्यूस स्ट्रेस ऑफ डिफरेंट साइन लाइक द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल एयर बोथ। ये था इसका कर्न का डिफिनेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं, थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं फॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, एएमएस मतलब कि सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लेते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन सा केस आता है। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। ओके, तो अब हमको अब नेक्स्ट तो अब हम देखना है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन पे इसका कैसे कंडीशन हो सकता है उसके लिए। तो चलो, तो कंडीशन जो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा करना नहीं है, मेरे पास जो कंडीशन निकल चुका है एज वी नो दैट conditions of no tension in cross section क्या condition था? तो E जो होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए। ओके, किसके अबाउट जो कंडीशन निकाले थे वो हम लोग, वो था मैं कंडीशन Z by area। अब सवाल कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से मसला आ गया, तो हम जान चुके थे कि W by area, okay, this W E Y and I था मेरा, ओके, जब ये चीज था मेरा, तो इसी चीज को जो हम E Y I को हम लोग नीचे में करके लिखाते हैं, तो I by y को हम लोग z लिख दिए, जिसको हम लोग सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। तो w a this w e z कर दिए चीज को, अब w w कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? ये टर्म मेरा बच गया। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है इस इक्वेशन को भी। ओके, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ, बस इसी इक्वेशन सब सबको जैसा भी क्रॉस सेक्शन पूछेगा बस इसमें पुट कर देना हम लोग को। ओके, तो अब हम लोग को देखना है सर्कुलर सेक्शंस के लिए क्या होगा मेरा। तो सर्कुलर सेक्शन If diameter, हम डायमीटर तो डी मान लेते हैं। ओके, इसका डायमीटर सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर। ये इसका डायमीटर हो गया डी। ओके, तो सेक्शन मॉडुलस कैसे होता है? सेक्शन मॉडुलस फॉर सर्कुलर
ऑब्जेक्ट क्या जो क्या था जेड बाई ओके सबसे मॉडुलस के वैल्यू हो गया। और क्या वो फॉर्मूला था एरिया के लिए, ये जस्ट इसको पुट कर देते हैं कंडीशंस में हम लोग हैं। पुटिंग इन पुट कर दो तो पुट करने पर क्या मिलेगा, रिजल्ट निकल गया। कुछ कुछ कैंसिल होता, काट सकते हो काटो। तो पाई पाई कैंसिल, डी के यहाँ पे कैंसिल, 4 8 32, देयरफॉर ई इज लेस देन डी बाय 8। ये कंडीशन आ गया फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रिजल्ट यहाँ पे ये आया, ये सेंटर से जब लोड हम ई अप्लाई करेंगे किसी जगह पे, क्योंकि इसका तो सेम एक्सिस होता चाहिए यहाँ से यहाँ, तो इसका डिस्टेंस यहाँ तुमको मिलेगा d बाई 8, यहाँ पे भी कितना मिलेगा d बाई 8, यहाँ पे भी तुमको d बाई 8, d 8 बाई, हर जगह इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में मिलेगा, मतलब हर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये d बाई 8, d 8 बाई d 2 तुमको इसका हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो बताओ जब ये डिस्टेंस मिलेगा तो इसका ये गोल जैसा कर्ण एरिया निकल जाएगा। तो इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ कर्ण सेक्शन का 32। तो यहां से हो गया डी बाई 8, यहां से हो गया डी बाई 8, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा डी बाई 8 प्लस डी बाई 8 डी बाई 4। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेई में, एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ओके। तो किस एरिया में उसका डायमीटर क्या होगा, देखो तो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो हमारा आया डी बाई 8, यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है। जबकि क्वेश्चन पूछा कि डायमीटर ऑफ द कर्ण सेक्शन, डायमीटर पूछा, डायमीटर होता है तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ को बोलते हैं डायमीटर, तो इस सेक्शन का डायमीटर हो गया डी बाई 4। और इसेंसिटी कंडीशन है, ये कंडीशन है डी बाई 8, तो ये क्या होता है इस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस लोड, ये तो इसमें तुमको लगेगा नो टेंशन, इसमें तो नो टेंशन लगेगा। आइए थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसमें हम लोग। ओके अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल क्या बोलता है तो पढ़ लेते हैं कि एक सर्कुलर कास्ट सेक्शन है ओके, आयरन का बना हुआ कॉलम है, तो कॉलम का मतलब होगा ये जो आजकल घर में जो मकान बनाते हैं गोल गोल जैसा कॉलम, ये हो गया कॉलम, जिसका डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर 250 mm ओके, कैरीज ए वर्टिकल लोड ऑफ 2 kg 600 kN, तो डब्ल्यू हो गया 600 kN ओके, लोड पड़ रहा है लेकिन कहाँ पड़ रहा है, एट डिस्टेंस ऑफ 35 mm फ्रॉम द एक्सिस, तो इसका जो एक्सिस है इस एक्सिस से 35 mm की दूरी पे, डायमीटर है 250 mm ओके, ये डायमीटर हो गया 250 mm और 35 मतलब यहाँ से लेके इसकी जो दूरी है वो 35 mm है, तो 35 mm कि दूरी पर लोड यहाँ पे लग रहा है, तो कलर थोड़ा पेंसिल यूज कर देते हैं, यहाँ पे लोड पड़ रहा है W
ओके, तो यहाँ पे जो ई का वैल्यू दिया वो दिया हुआ 35 में। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस को निकालना है, तो मैक्सिमम इसका जो वैल्यू है वो तुमको निकालना कहाँ पे। तो यहाँ पे दो ही लोड पड़ता है, एक चाहे कंप्रेसिव एक डायरेक्ट, नहीं तो एक बेंडिंग, दोनों ही काम करेगा। और कर्ण सेक्शन पे सिर्फ एक काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जब भी होगा तो हमको तो कर्ण वैल्यू से ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक लगा मेरा डायरेक्ट स्पेस, वो सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बाई एरिया। दूसरा होगा बेंडिंग स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होगा एम वाई बाई। अब यहाँ पे W क्या है और यहाँ पे Y क्या है और I क्या है, उस सबको भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा बेंडिंग मोमेंट जो निकलता है मेरा, मैक्सिमम स्ट्रेस जो निकलेगा वो दोनों को जोड़ने पर निकलेगा या दोनों घटाने पर निकलेगा, क्योंकि दो मैक्सिमम तो मेरी वैल्यू वही काम होता है। ओके, तो मैक्सिमम जो हम चाहेंगे निकालने के लिए वो निकलेगा W बाई ए प्लस एम वाई आई, मतलब जब जब दोनों का दोनों कंप्रेसिव हो, क्योंकि जब बेंडिंग होगा मेरी चीज, मान लो कॉलम ऐसा बेंड हो गया, इस लोड के चलते तो कंप्रेसिव हुआ ही, और प्लस मोमेंट के चलते यहाँ भी कंप्रेसिव, सिग्मा सी यहाँ पे हुआ और इसके चलते भी दोनों का दोनों ऐड हो गया। तो ये हुआ ये जो हुआ ये हुआ एम वाई बाई आई कंप्रेसिव, और डब्ल्यू बाई एरिया भी हो गया डार्ट स्ट्रेस। तो दोनों को दोनों इस सेक्शन पे क्या होगा कंप्रेसिव हो जाएगा, इस सेक्शन पे क्या होगा टेंसाइल होगा, क्योंकि इसके चलते कंप्रेसिव इसके चलते टेंसाइल, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाता है। तो मैं दो के साथ सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ सकता। अब सबको डाटा को पुट कर दो यहाँ पे, तुम्हारा डाटा निकल जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे डाटा तुम्हारा निकले, क्या तुम डाटा वो सब देख लेते हैं यहाँ पे लोग हैं। तो डब्ल्यू दिया हुआ है, अब मोमेंट निकल जाएगा, मेरा मोमेंट निकल जाएगा डब्ल्यू निकल जाएगा मोमेंट। ओके, वाई कैसे निकलेगा, वाई डी बाई टू निकल जाएगा, एंड आई का वैल्यू क्या होगा, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा तुमको किसको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द प्रोपोर्शनल सेक्शन पाई डी पावर बाय 32। बस सभी को पुट कर दो तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा। ओके, इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशंस में तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, मैक्सिमम एक जोड़ दोगे एक घटा दोगे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा और तुम्हारा नेगेटिव मतलब कि मिनिमम वैल्यू भी तुम्हारा रिजल्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये सब तुम अपने कर करके देखोगे क्या रिजल्ट आएगा इसका चीज में। हाँ, मान लो कि इनकेस ऐसा होता, स्क्रीन शॉट लेके जब हमको भेज दोगे तुम लोग, इनकेस ऐसा होता कि डब्लू जो डब्लू बाई ए है, इफ डब्लू बाई ए का जो वैल्यू सॉल्व करने पर, अगर तुम सॉल्व करोगे इसका रिजल्ट कुछ भी आएगा, मतलब मान लो कि 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एमएम का रिजल्ट आ गया, और एम वाई बाई आई का भी सॉल्व करने पर तुमको 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सेक्शन पे क्या पैदा होगा, इस सेक्शन पे क्या पैदा होगा, सिग्मा, तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा टी, तो यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500, तो क्या हो जाएगा घट के यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि कुछ तुमको नहीं लगेगा, यहाँ पे नो टेंशन कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये तुमको कंप्रेसिव होगी, यहाँ पे यहाँ भी 500 है और प्लस यहाँ ही 500 है, 1000। ये बीम कैसा होगा, बीम ऐसा हो जाएगा, देखोगे ये ओरिजिनल तुमको बीम ऐसा था, जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये इसका जो ये साइज तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो साइज है बीम जो है तुमको